नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के शेयर के बारे में, आज की परफॉर्मेंस के बारे में। आप सभी लोगों को पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक के अंदर जबरदस्त जो अपर सर्किट है वो देखने को मिल रहा होगा। अगर 5 दिनों का ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 10 तारीख के बाद से स्टॉक में लगातार जो अपर सर्किट है वो बन रहा है, और आज भी स्टॉक के अंदर 4.90% का जो अपर सर्किट है वो देखने को मिला, यानी कि स्टॉक के प्राइस में 35 पैसे की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 7 रुपये 15 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग रही है। 52 वीक का जो हाई था वो 9 रुपये 35 पैसे का था, और लो था जो वो 86 पैसे का, यानी कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो है ऊर्जा ग्लोबल ने अपने सभी इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। आज की ओपनिंग जो थी वो 7 रुपये 40 पैसे पे हुई थी, और स्टॉक में जो हाई बना है आज का वो 7 रुपये 50 पैसे का बना है, और अगर लो की बात की जाए तो 7 रुपये 30 पैसे का जो लो है आज स्टॉक में देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ समझें कि ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अदर सेक्टर्स को देखा जाए तो वहाँ पर तेजी की बजाय गिरावट देखने को मिल रही होगी सभी स्टॉक्स के अंदर, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल के अंदर तेजी क्यों है ये चीज़ समझने वाली है, और यहाँ पर क्या ऑपरेटर एक्टिविटी हो रही है ये भी हमें समझ के चलना चाहिए। ये भी हमें इस चीज़ से भी बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जिस लेवल से वापस से आया है और ऐसे पॉइंट पर आने के बाद स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और जब कभी भी अच्छी खासी न्यूज़ निकल के आती है उसके बाद ऐसे स्टॉक में सबसे जो बड़ा खतरा रहता है वो ऑपरेटर्स का रहता है, क्योंकि ऑपरेटर के ट्रैप में अगर आप ट्रैप हो गए तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो नुकसान है वो हो सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये फ्रेश पोजीशन बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस लेवल पर फ्रेश बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म का आपका फोकस है तो बिल्कुल भी ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में पैसा ना लगाएं। और दोस्तों, अगर तेजी की बात की जाए कि ये जो अपर सर्किट लग रहा है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो पहला बता दिया कि ऑपरेटर एक्टिविटी हो सकती है जो कि न्यूज़ के बिहाव पर आते हैं, और न्यूज़ निकल करके आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि सोलर पावर फर्म रश टू कंप्लीट प्रोजेक्ट बिफोर ड्यूटी हाइक। आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है सोलर पैनल के ऊपर और सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑन 9 मार्च अनाउंसड ए 40% BCD ऑन सोलर मॉड्यूल्स एंड 25% BCD ऑन सोलर सेल्स, यानी कि सोलर के जो पैनल्स हैं उसके ऊपर 40% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो अब कर दी जाएगी, और 25% जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी वो सोलर सेल्स के ऊपर लगेगी, जिसकी वजह से बाहर से इम्पोर्ट किए जाने वाला जो सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर जो पड़ने वाला है वो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको स्केल अप कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक जो सोलर पैनल हैं उन्हें मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डिमांड्स आने वाली हैं आने वाले टाइम पर उनको पूरा करने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उन्हें स्केल अप होना पड़ेगा, और इंडिया की गवर्नमेंट जो है इसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जो स्कीम्स हैं वो लेकर आ रही है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इंडिया के अंदर आने वाला जो टाइम है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, और अगर आप ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर आप बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो कमा के जाएंगे। अगर दूसरी न्यूज़ की बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा MSME के माध्यम से। कहने का मतलब, अगर चाइना से इंपोर्ट बंद होती है या फिर इंपोर्ट कम होती है तो वहाँ पर जो सेटअप लगाए हुए हैं बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका ध्यान इंडिया की तरफ आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी की, और इंडिया टोटली जो आने वाले टाइम पर डिपेंड होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होने वाला है, और इसकी वजह से जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अपना सेटअप जो है वो इंडिया के अंदर लगाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्केल अप होगा इस सेक्टर में,
और शेयर के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो भी होगी आने वाले टाइम पे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।